यहाँ घर में खाने के लाले पड़े हैं और कर्जदार चमड़ी पे चमड़ी उधेड़ रहा है। वही नौटंकी बाज। अब आपने इतना कर्जदार बना ही दिया है तो हम आपको रोक भी नहीं सकते। मतलब शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सच बोल रहे हैं भैया, भैया हम आपके पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। नहीं भैया, भैया जैसे व्यवस्था हो जाएगी आपके घर तक पहुंचा देंगे भैया हम। काय बे, दिखता नहीं क्या तुझको? नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, मतलब भैया आपसे बोल रहे हैं। जी, चलो माइन भैया, पैसा निकालो, पैसे बड़े मुश्किल से मिलते, निकालो। संजय भैया, हम आपके पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। अब एक साल से तो सिर्फ मोहलत ही ले रहे हो ना तुम, एक सिक्का तो आज तक दिया नहीं, ना मिलते हो ना फोन उठाते हो। ऐसा है मयंक भाई, अब ना हमारे सब्र का बांध टूट रहा है, हमको हमारा पैसा चाहिए, समझे? अरे संजय भाई, आपका पैसा नहीं डूबेगा, वो तो पीउन की भर्ती के लिए आपसे पैसा लिया था, अगर सरकार ने ये भर्ती खारिज नहीं की होती तो ये पैसा तो हम कब का दे देते आपको। साले, चुप, तुम्हारी बकेती सुनने आए हम, चुपचाप पैसा निकाल वरना यही हड्डी पसली तोड़ के वसूलेंगे तुमसे। अरे कल देगा, परसों देगा, तरसों देगा। अरे हमारे जीजा जी है भोले, तो इसके सर पे जड़ के नाचोगे? अरे छोड़ पागल हो गया का? अरे मेरे प्यारे जीजा जी, ये बातों का भूत नहीं है, लातों का भूत है, मैं तो मतलब लकवा मार के मजबूत कर रहे हैं ना बात, करिए खड़ा यहीं पे। देखा महेंद्र भाई, बात कितनी बिगड़ रही है, 10 लाख रुपया है हमारा, 12 तारीख को हम वापस आएंगे, अगर उस दिन हमारा पैसा नहीं मिला तो हमारे भी यही तेवर होंगे जो आज किशोर के हैं, समझ रहे हैं ना? चलो बे, तीनों बे 12 तारीख याद रखना, फिर नहीं बोलेंगे। साक्षी, अरे आप आ गए, आप तो इंतजार कर रहे थे हम। अच्छा देखिए ना ये लहंगा कितना अच्छा है, सिर्फ 4,000 का है। हमारी ना पूजा है ना सहेली, अगले महीने इसकी शादी है, आप दिला दीजिए ना प्लीज प्लीज। हमारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ घर में खाने के लाले पड़े हैं और कर्जदार चमड़ी पे चमड़ी उधेड़ रहा है, कभी ये दिला दो, कभी वो दिला दो, कभी गहना, कभी कपड़े, तुम्हारे खरीदने नहीं खत्म होता कभी। क्या खाप खरीद बातें, जरा बताइए हमें, गिनवाइए जरा, जब 4 को चीज बोलते तब जाके 1 को आती है, बाकी का 3 को का क्या? या तो हमें भूलना पड़ता है या फिर अपने मायके वालों के पास जाके बोलना पड़ता है कि दिला दो। साला अपने मायके वालों के सामने भिखारी बन के रह गए। हम नहीं दिला पाएंगे। क्यों नहीं दिला पाएंगे? देखिए डिमांड तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, आप शादी करके इस घर में लाए हमें, हमारे मायके वालों से मोटा दहेज मांगा था, अब आपके पास नौकरी हो या ना हो खरीदवाएंगे तो सिर्फ आप खरीदवाएंगे। अरे भाई नहीं, सुबह सुबह दोनों क्यों झगड़ रहे हो, क्या हुआ बहू? पापा जी देखिए ना, मैंने क्या गलत बात की इनसे, मैंने इनसे सिर्फ इतना कहा कि मुझे लहंगा दिलवा दीजिए, हमारी पूजा जो सहेली है अगले महीने उसकी शादी है, सिर्फ 4,000 का तो लहंगा मांग रहे, क्या मांग रहे? हाँ ठीक है बहू, शांत हो जाओ, मैं मैन से बात करता हूँ, ठीक है? जाओ तुम अंदर जाओ, जाओ। क्या हुआ बेटा, इतना उबल क्यों रहा है, क्यों परेशान है तू? पापा आपको तो हमारे घर की स्थिति पता है ना, एक तो घर में इसका ड्रामा, ऊपर से बाहर को कर्जदारों का ड्रामा, आज मिले थे संजय, उसका साला किशोर बहुत बेइज्जत किया हमें। देखा महेंद्र भाई, बात कितनी बिगड़ रही है, 12 तारीख को हम वापस आएंगे, अगर उस दिन हमारा पैसा नहीं मिला तो हमारे भी यही तेवर होंगे जो आज किशोर के। हाँ जानता हूँ मैं, और
12 तारीख को बहुत समय है, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूँगा। वो अपने गांव की ज़मीन है ना, उसके ऊपर पैसा ले लूँगा। तो एक काम कर, अभी अंदर जा, वो बहू को समझा ले, जा। अरे जा भाई। हाँ जा रहे हैं। अगर आप नहीं होते ना आज, तो मैं उनको पैसे दे के जाता। आए मेरा बाबू किशन, ये गरम गरम रोटी। किशोर को गरमा गरम रोटी मत दिया करो, वैसे इसका दिमाग गरम रहता है। दीजा, आज वो आप थे जिसके वजह से मैं उनको बिना पैसे दिए निकल गए। नहीं तो हम ऐसा इंतजाम करते कि उसको बाप पैसे ला के हमारे पैरों में रख। देखो बबुआ, इतना रोज ना ब्याज के पैसों में नहीं किया जाता। कानून जुर्म है ब्याज पे पैसा देना। वो अगर पुलिस थाना चला जाता ना, तो हमारा पैसा भी जाता, तुम और हम हवालात में जाते। देखो, तुम जैसा आदमी ना ये भाड़ जैसी बातें कर सकता है, जिससे होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ मुफ्त में रोटियां तोड़ना है। तो तुम ना हमसे ठीक से बात किया करो, समझी? एक हम ही है जो इस घर का खर्चा चला रहे, और रही बात मुफ्त में रोटी तोड़ने की, तो वो हम नहीं, तुम और तुम्हारा भाई तोड़ रहे। देख, तुम ना शुक्र मानो, तो हमसे शादी होगी तो भाई, वरना जैसी तुम हो ना, दिया लेके भी ढूंढेंगे ना, तो हमारे जैसा पति नहीं मिलेगा तुम्हें। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हमारे दिमाग पे चढ़ के नाच रहे हो कबे, और ऊपर से हमारे सामने हमारी बहन को चिल्ला रहे हो, जान से मार देंगे हम तुमको। छोड़ दे किसान, जाने दो, मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन छोड़ दे किसान, छोड़ दे किसान। चलो दीदी, बहुत भूख लगे, हम साथ में खाते चल। तुम पागल है। तारीख है, पैसे का इंतजाम भी नहीं हुआ, क्या होगा अब? हेलो शुक्ला जी, नमस्ते नमस्ते, छोड़ो पहले ये बताओ कि कोई खरीदार मिला कि नहीं? अरे भाई, दो हफ्ते से कह रहा हूँ कि कोई अच्छा सा खरीदार ढूंढो जमीन का, जो अच्छे पैसे दे। हाँ हाँ, मेरी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ ढूंढो भाई। ठीक है, ढूंढ तो रहा है। पापा अब क्या होगा, आज संजय उसका शाला किशोर दोनों आने वाले होंगे। समझता हूँ बेटा, तो है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ, एक दो और लोग हैं उनको फोन करके पूछ लेता हूँ मैं। पापा लगता है संजय आया है। संजय? पापा अब क्या करेंगे हम लोग? एक काम करते हैं, तू और मैं कहीं छुप जाते हैं। और हाँ बहू, बेटा एक काम करो, संजय आया पैसा लेके, तमाशा खड़ा कर देगा क्योंकि पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। तुम बस एक काम करो, हम दोनों मैं और मैं यहाँ छुप जाते हैं, तुम जाके दरवाजा खोलो, उसे कह दो कि हम उसी के पैसे के इंतजाम के लिए बाहर गए। क्यों, हम क्यों बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे ये सब, या आप लोगों का समस्या आप लोग जानो, हमें मतलब नहीं है। बेटा सॉरी, हाँ वो तुम्हें लहंगा खरीदना है ना, वो महंगे वाला तुम जो कह रही थी, हाँ तो उसके लिए 4,000 रुपया हम देंगे। देखिए पापा जी, अगर आप बातें से मुकरे तो फिर समझ लेना। बातें से हम क्यों मुकरेंगे? हाँ बिल्कुल नहीं मुकरेंगे, हम 4,000 नकद दे देंगे, ठीक है? बस इस बार खाली ये संभाल लो। अरे तू वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? संजय आ गया बेटा, जाके संभाल ले। अच्छा अच्छा, तू चुप, अच्छे से संभाल लेना बेटा। हाँ चुप। Thank you.
जी। कहाँ है मयंक भाई और राजेंद्र का? वो तो आपके पैसों का इंतजाम करने के लिए चले गए। ठीक है तो हम इंतजार कर ले। नहीं 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 पता नहीं ना कि वो लोग कब तक आएंगे, हो सकता है रात भी हो जाए, तो आप कल आ जाइएगा। ठीक है? ठीक है, आप बोलिएगा कि हम आए थे। हाँ जी बिल्कुल, चलते हैं। पापा जी, हाँ 4,000 रुपए निकाले, चलिए। हाँ दे रहा हूँ 4,000, लेकिन बहुत अच्छा काम किया तुमने। निकाली ना जल्दी। हाँ बस मैं लेकर आ रहा हूँ। काम था? मयंक भाई राजेंद्र काका नहीं है क्या? नहीं वो अभी कहीं गए हैं। ठीक है तो हम इंतजार कर लेते जब तक आपके हाथ की एक चाय पी लेंगे। नहीं वो क्या है कि पता नहीं ना कब तक आएंगे, तो आप अभी चले जाइए, उन्हें कॉल कर लीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं भाभी जी, हम इंतजार कर लेंगे, अब तक आपके हाथ की एक चाय पिला दीजिए। अरे वो एक बढ़िया सी चाय पिला दीजिए भाभी जी। बनाते जी। वाह क्या खूबसूरत चाय बनाई है। सच बताएं हमने अपनी जिंदगी में अब तक की सबसे बेहतरीन चाय पी है, इसलिए हम आपको है ना गिफ्ट देना चाहते हैं। गिफ्ट? अरे नहीं नहीं काहे इतनी तकलीफ उठा रहे, मतलब एक चाय के बदले। अरे रहने दीजिए। नहीं भाभी जी आप बेझिझक बोलिए, हमारी तरफ से ना इसे थैंक यू गिफ्ट समझिए। सच में थैंक यू गिफ्ट? हमें ना बनारसी सिल्क साड़ी ना बहुत पसंद है, वो जैसे फिल्मों में हीरोइनें नहीं पहनती ऐसे बनारसी सिल्क साड़ी, तो पहन के कितनी सुंदर लगती है। हमको भी ऐसा ना बहुत मन करता है पहनने का, लेकिन क्या है ना कि बहुत महंगा है, तो रहने देते हैं। नहीं नहीं तो क्या हो गया भाभी जी, हम लेके आएंगे ना आपके लिए। सच्ची आप लेकर आएंगे? हाँ भाभी जी हम लेके आएंगे ना आपके लिए। अरे लाने से तो हम भूल ही गए कि हम आपके लिए नमकीन लाना भूल गए, हम अभी लेकर आते हैं। हाँ अरे भाभी कैसे बताएं, गिफ्ट तो हम ही है आपके।
ये लीजिए। मतलब आप हमारे लिए बनारसी सिल्क साड़ी लाए? क्या बात कर रहे हो आप? अरे में आ गई हमारे लिए। अरे वाह, अगर आपको खूबसूरत लगी है तो एक बार हमें जरा पहन के दिखाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको पहनना ही चाहते थे, आप ले आए। आप बैठिए बैठिए, हम पहन कर आते। आप बैठिए ना, बैठिए, हम आते हैं। बातें कर रही है भाभी जी, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लग रही है, ऐसी जिसे कोई भी चाहेगा, जिसे पाकर किसी की भी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन बस एक चीज की कमी है। कमी? कमी किस चीज की? मतलब बताते हैं, पहन लीजिए। अब आप लाए हैं तो आप ही पहना दीजिए। हम? हाँ हाँ, तो हमें ही पता है, लेकिन काहे का बिल? कान के झुमका है, हमें तो नहीं मिले। हाँ, किसका मिलेगा? वो हमने नहीं, हमारे दोस्त ने लिया। तुम्हारे दोस्त ने लिया और नाम तुम्हारा लिखा? अरे वाह, पैसे हमने दिए थे, दोस्त ने उधार खरीदे। कायदे से पूछ रहे, किसका है बता दो। अरे हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं खरीदा, हमारे दोस्त ने खरीदा। समझ में नहीं आती बार में बात तुम्हारे? अभी तुम्हें समझ में आई? विशाल बाबू आओ इधर। क्या हुआ? आप मत बुद्धि ठिकाने, ये देखो झुमके का बिल है। हमें कोई झुमका नहीं मिला। अभी इस उम्र में इसको रासलीला सूझ रहा है। रासलीला? तनिक रुको, अभी इनकी लीला निकाल। प्यारे जीजा बहुत प्यार से पूछ रहे, किसको खरीद के दिए झुमके? वो भी सोने के? किसको दिए बोल? जी सच कह रहे हैं, हमने नहीं खरीदे, हमारे दोस्त ने खरीदे। वो झूठ। कीड़े की चमड़ी है इसकी, कितना भी मालूम फर्कने पड़ेगा। फर्क पड़ेगा दीदी, पड़ेगा। ऐसा है, थप्पड़ से नहीं लेकिन गोली से चाकू से फर्क पड़ेगा। और जीजा एक बात गांठ बांध, अगर तुम्हारी ये रासलीला सच निकली ना तो तुम्हारे शरीर में नहीं जान नहीं रहेगी, बूझे? चलो दीदी। बेशरम कहीं का नाक कटवा दिया। दो दिन से मिलने भी नहीं आए, फोन काट रहे हैं। क्या बात है? पागल हो गई हो क्या? अभी लग जाती तो? आपके छोड़ देने के बाद से कौन सा जिंदा है? हमने कहा गलती की ऐसी? कहा क्यों भाग रहे आप हमसे? बोलिए ना, बताइए क्यों भाग नहीं रहे? डर रहे हैं, हमारी बीवी हमारे साले को शक हो गया है। हमें पता चल जाएगा कि वो तुम हो जिससे हमारा प्रेम चल रहा है,
वो हमारे साथ साथ तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे, मार डालेंगे ना। हम जिएंगे भी आपके साथ, तुम मरेंगे भी आपके साथ। हमारा प्यार कोई खिलवाड़ नहीं है। खिलवाड़ तो हमारा भी प्यार नहीं है बेटी। किया बस, अब हमें कुछ नहीं सुनना। आज रात को हम आपको छत पे इंतजार करेंगे और आपको आना है। बताइए आप आएंगे ना? वादा करो आप हमसे आप आएंगे। देखो बहू, मेरी बात सुनो। जो होना था सो हो गया। अब संजय के साथ रिश्ते वाला जो मामला है ना, बस यही खत्म करो। हाथ जोड़ रहे तुम्हारे। नहीं पापा जी, हम संजय को नहीं छोड़ सकते, हमें मंजूर नहीं है। अरे लेकिन क्यों, ये सब कब तक चलता रहेगा? अरे बदनामी हो जाएगी हमारे परिवार की, तो जिसे भी पता चलेगा ना थू थू करेंगे हम पर। अब जानते लोग थू कहेंगे, पर अब नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते संजय को। पर लोगों को पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा जब तक आप लोग नहीं बताएंगे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब बातें हम किसी को नहीं बताएंगे? अगर इस राज को राज रखने से आप लोगों का 10 लाख रुपए का फायदा होगा। 10 लाख का फायदा? वो कैसे? पापा जी हम वादा करते हैं, संजय आप लोगों से पैसे नहीं लेंगे और इस घर का पूरा खर्चा भी उठाएंगे। अगर आप हमारा और संजय का जैसा चल रहा है वो चल लेते तो। साक्षी चुप हो जा, बने तो जुबान खींच रहे। एक मिनट मैं बात करता हूँ। अच्छा बहू एक बात बताओ, संजय से कर्ज माफी की ये बात वो तो हमें लिखित में दिलवा सकती है संजय से? पापा को हम लिखित में दिलवाएंगे। ठीक है, अगर संजय स्टैम्प पेपर पर कर्ज माफी की बात लिखकर देता है तो बेटा मैं वचन देता हूँ कि इसके बाद तुम संजय से मिलो ना मिलो, संजय से रिश्ता रखो ना रखो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, पूरा आजादी दे रहे तुम्हें। ठीक है? ठीक है, हम संजय से भी बात करते हैं। पापा ये आपने सौदा क्यों किया? देखो बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये सौदा नहीं है, ये आज के समय की हमारी जरूरत है। घर के हालात तो तू देख रहा है, वो संजय के कर्जे ने परेशान करके रख दिया था हमको। अरे कम से कम बहू के जरिए ये मसला तो खत्म हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ले लीजिए इस स्टैम्प पेपर पर साइन कर दीजिए और साफ कर दीजिए कि आज के बाद आपका कोई कर्ज हम पर बाकी नहीं रहेगा।
आज से पूरी तरह आपके कर्जे से मुक्त है। कीजिए। में से कोई जानता है इसे? जाने काम करो, इसके पॉकेट को चेक करो, शायद कोई आईडी प्रूफ वगैरह मिल जाए। संजय गुप्ता पांडे, ये पत्थर देखना। अंगूठी का पत्थर और इस पे खून भी लगा। सनी, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बाइक इस पेड़ से टकराई है जिसके कारण इसकी मौत हुई, लेकिन मामला कुछ और है। इसके सर पे हेलमेट नहीं है और इसके नाक पे चोट के निशान देखे और इस पत्थर पे खून का निशान, इससे साफ पता चल रहा है मारा पीटा गया है और इस बाइक को इस पेड़ के साथ टकराया ताकि कोल्ड ब्लडेड मर्डर एक्सीडेंट लगे, और ये जो पत्थर है ये कातिल का हो सकता है। सानी, काम करो, पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास जितने भी क्लूज मिलते हैं सब इकट्ठा करो। कातिल कहीं भी बच नहीं पाए। जीजा, एक बात गांठ बांध, अगर तुम्हारी ये रासलीला सच निकली ना तो तुम्हारे शरीर में जान नहीं रहेगी। ऐसा तो तुम भी तो बोली थी, तुम इनका किस्सा खत्म कर दो। पागल पागल हो क्या, दिमाग से क्या है तुम्हारा? अब अपने पति को मार के विवाह बन के घूमेगा क्या? एक मिनट रुकिए। ये अफेयर का क्या सीन है और किसके साथ था उनका? अरे साहब, हम बता दें, हमारे इसी मोहल्ले की एक औरत है साक्षी करके, उसी से। साक्षी? एड्रेस क्या है उसका? ये सच है सर, मेरा और संजय का संबंध था, पर इससे हमारे घर वालों को कोई समस्या नहीं थी। तो क्या आप बता सकती हैं कि संजय को कौन मार सकता है? सर, उसका सालार और उसकी बीवी, क्योंकि वो लोग ना हर बार उन लोगों को प्रताड़ित करते थे और साथ ही साथ उन लोगों कहीं ना कहीं तो भनक लग गई थी कि मेरा और संजय का संबंध है। ये तुम्हारी उंगली पे चोट का निशान कैसा है? सर, कल वो बारिश में फिसल गया था ना, तो इस वजह से घाव लग गया सर। और इस अंगूठी का पत्थर कल तक तो था सर, पता नहीं यहीं कहीं रख दिया होगा सर। इसको पहचानते आप? ये पत्थर तो इनके अंगूठी का है। ये हमें संजय की डेड बॉडी के पास से मिला है। सर,
बोल, संजय को तूने मारा है ना? सर प्लीज मत मारिए सर, सर मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। हाँ सर, मैं और मेरे पापा ने मिलकर संजय को मारा है, क्योंकि उसने मेरी पूरी गृहस्थी उजाड़ दी थी। फिर उसको एक सिग्नेचर के बहाने से हमने सुनसान इलाके पर बुलाया। देखना हम कैसे इनका ख्याल रखते हैं, और बहुत जल्दी तुमको बच्चे को भी खिलाने को मिलेगा। और उसको बहुत मारा, और जब वो मर गया तो उसको बाइक पे बैठा कर पेड़ से एक्सीडेंट करा लिया। ताकि लोगों को लगे कि इसकी मौत एक्सीडेंट से हुई। इंसान को ना इतना भी चालबाज नहीं करना चाहिए, और आप खुद को देख लीजिए, आपने ऐसी चाल चली कि अपने बेटे के घर परिवार को ही तोड़ दी, और आप खुद तो जेल जा ही रहे, अपने बेटे को भी लेकर जा रहे। ले चलो इन दोनों को। सर प्लीज माफ कर दीजिए।